नमस्कार दोस्तों, मिस्त्री अस्नूज में आपका स्वागत है। स्वाध्याय का सीधा मतलब होता है स्वयं का स्वयं के द्वारा अध्ययन। सामान्यतः हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपना अधिकांश समय दूसरे मनुष्यों तथा वस्तुओं का अध्ययन करने में निकाल देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे पास स्वयं का अध्ययन करने के लिए समय ही नहीं बचता है। जब हम स्वयं को समय नहीं दे पाते हैं तो हमारे आसपास के वातावरण का रंग हमारे ऊपर चढ़ने लगता है, जो हमें दिन प्रतिदिन को विचारों के कीचड़ से मिला करता रहता है। यदि हम प्रतिदिन के अपने सभी साफ सफाई के क्रियाकलापों को बंद कर दें, तो क्या हम स्वच्छ और स्वस्थ रह पाएंगे? कभी नहीं। यदि हमने घर में झाड़ू लगाना बंद कर दिया तो कुछ ही दिनों में सब जगह धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। यदि हम एक दिन के लिए भी ना स्नान करें तो हमारे शरीर में दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए हम प्रतिदिन अपनी भौतिक साफ सफाई का ध्यान बखूबी रखते हैं, किंतु क्या हम अपने मन की भी साफ सफाई का ऐसा ही ख्याल रखते हैं? शायद नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि हमें उसकी गंदगी दिखाई नहीं देती है। परंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि इसी वातावरण के कीचड़ की गंदगी है, जो हमारे विचारों तथा संस्कारों को प्रदूषित करती रहती है। जब कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो यही को विचार हमारे मन की गहराइयों में जमने लगते हैं, जिन्हें संस्कार कहा जाता है। आपने तो सुना होगा, मन एव मनुष्याणा कारणं बन्धा मोक्षयोः बन्धाय विषयासक्ता उन्मुक्तये निर्विषयं स्मरितम्। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। जो मन विषयों में आसक्त हो तो बंधन का कारण बनता है और निर्विषय अर्थात वीतराग हो जाता है तो मुक्ति अर्थात मोक्ष का कारण बनता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय मन की मलिनता को साफ करके आत्मा को परमात्मा के निकट बिठाने का सर्वोत्तम मार्ग है। अतः प्रत्येक विचारवान व्यक्ति को प्रतिदिन संकल्प पूर्वक सद्ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय के क्या लाभ हैं? जो हमेशा स्वाध्याय करता है उसका मन हमेशा प्रसन्नचित और शांत रहता है। स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होता है, जिससे धर्म और संस्कृति की सेवा होती है। स्वाध्याय से अज्ञान और अविद्या का आवरण हटने लगता है और वेदादि शास्त्रों के दिव्य ज्ञान का प्राकट्य होता है। प्रतिदिन स्वाध्याय करने से बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाती है, जिससे कठिन से कठिन विषय को मन तुरंत समझ लेती है। जो साधक प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं वे कभी भी साधना से नहीं भटकते हैं, तथा जो बिना स्वाध्याय के साधना करते हैं उनकी साधना कभी सफल नहीं हो पाती है। जो साधक प्रतिदिन स्वाध्याय करता है उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह प्रकृति के रहस्यों को स्वतः जानने लगता है। जो प्रतिदिन साधना करता है वही उच्च स्तरीय साधनाओं का अधिकारी हो सकता है। जिन्हें ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता उन्हें चाहिए कि प्रतिदिन स्वाध्याय करें तथा प्रतिदिन ईश्वर के दिए हर उपहार के लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। जीवन में यदि साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा हो तो हर मनुष्य ऋषि महर्षि हो सकता है। स्वाध्याय कैसे करें? यदि इस वीडियो को देखकर आप भी स्वाध्याय का मन बना चुके हैं तो आपके सामने सबसे पहले यह प्रश्न आएगा कि स्वाध्याय कैसे करें। इसमें चिंता की बात नहीं, यह बहुत आसान है। स्वाध्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है समय निकालना। आप जब सुबह नहा धोकर ध्यान आदि करते हो तो उसके बाद का समय आप स्वाध्याय के लिए निकाल सकते हैं। यदि आप ध्यान आदि नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ दिन स्वाध्याय करने के बाद आप स्वतः ध्यान करने लगेंगे। यदि नहीं करते हैं तो फिर आप अपनी सुविधा से कोई भी ऐसा समय निकाल सकते हैं जब आप शांतचित हो, कोई काम का टेंशन ना हो। स्वाध्याय सुबह, दोपहर, शाम या रात को भी किया जा सकता है। सुबह और शाम का स्वाध्याय उत्तम है, दोपहर का मध्यम है तथा रात का स्वाध्याय तीसरी श्रेणी में आता है। स्वाध्याय हमेशा ध्यान पूर्वक और तन्मयता से करें, थोड़ा किंतु गहन चिंतन के साथ किया गया स्वाध्याय बहुत लाभकारी होता है। स्वाध्याय के लिए जो भी पुस्तक निर्धारित हो उसे क्रमबद्ध रूप से पढ़ें। स्वाध्याय के समय अपने पास एक पेन और डायरी अवश्य रखें तथा जो भी बात आपको उपयोगी लगे उसे नोट कर लें। एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय करने से सभी बातें आपको लंबे समय तक याद रहने लगेंगी। स्वाध्याय कितने समय तक करें? स्वाध्याय के लिए समय की कोई सीमा नहीं है। आप यदि फ्री हो तो दिन भर कर सकते हैं, किंतु दिन भर का याद रहेगा नहीं। सामान्यतः हर कोई दिन भर फ्री नहीं हो सकता,
अतः स्वाध्याय के लिए आप कम से कम 30 से 60 मिनट का समय अवश्य दें। यदि इतना समय ना मिल सके तो किसी धार्मिक पुस्तक का एक पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ने का नियम बना लें। यदि कोई इतना भी नहीं करना चाहे तो प्रतिदिन किसी महापुरुष का एक सबसे अच्छा सद्वाक्य पढ़कर अपने 3 मित्रों को अवश्य सुनाएं। इतना तो कर ही सकते हैं। स्वाध्याय के लिए इतना। विशेष याद रखें कि किसी उपन्यास, कहानी और कथा को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। अधिकांश किताबें केवल मनोरंजन के लिए होती हैं। अतः स्वाध्याय के लिए केवल शास्त्रोक्त किताबों का ही अध्ययन करें। इसके लिए गीता, योग वाशिष्ठ, योग दर्शन, उपनिषद और रामायण आदि उत्तम है। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।